कौन सी साजिश में दिन गुजारा गया, न जाने कौन सी साजिश में दिन गुजारा गया। मैं दुश्मनों से बचा, दोस्तों में मारा गया। तो हेलो गाइस, इधर उधर ना किसी टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने दो दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने बताया था आपको एनएक्सटी गिल्ड के स्कैमर के बारे में। जिसको नहीं पता वो मेरा वाला वीडियो देख जाके देख सकता है। बाकी होता ही है कि एनएक्सटी रेटलर अपने चैनल पर लाइव कर रहे होते हैं जिसके अंदर वो कुछ ऐसा कहते हैं। चलिए पहले एक क्लिप देख लेते हैं। मुझे रिवेंजर की याद आ रही है, कमी की याद आ रही है। कौन है रिवेंजर? क्यों कर दिया इंडिया वाले को, इंडिया वाले को तेरे को क्या जाता है भाई, फिर के दुख उसने लीव कर दी, खुद ही लीव कर दी। ये वैसे स्कैमर था वो। हां वही स्कैमर था। लोबी तो वही है। लोबी क्यों है स्कैमर भाई? अबे ने पहला राउंड भाई थोड़े से क्लोज था ये तो। अरे तो NXT Rattler इस क्लिप में जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम NXT Revenger है। जिसको नहीं पता था तो NXT Revenger एक NXT गिल्ड का बंदा था जो NXT क्लासिक ओपन वर्सेस वन हरा के उसने गिल्ड में एंट्री की थी। जिसके बाद तो बहुत दिनों तक NXT गिल्ड में रहा भी और उसने बहुत से टूर्नामेंट NXT गिल्ड की तरफ से खेले भी। जिसको नहीं पता था तो NXT Revenger जो है वो नॉनस्टॉप गेमिंग का इससे पहले वाला जो फुल मैप टूर्नामेंट था उसमें भी NXT 2 की तरफ से खेला और उसने बहुत अच्छे बुयाया निकाले थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके बाद NXT Revenger ने NXT गिल्ड लेफ्ट कर ली? तो आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो NXT Revenger ने कुछ ऐसी बात कही थी जो NXT क्लासिक और उसके गिल्ड मेंबर्स को अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद उसने NXT गिल्ड लेफ्ट करने का फैसला लिया। बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन मुझे मिला नहीं। तो जब मैंने इंस्टाग्राम वाले स्कैम वाला वीडियो बनाया जिसके बाद बहुत से लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि रिवेंजर ने उसकी आईडी स्कैम की, कोई सैम नाम का बंदा था उसकी आईडी स्कैम की और बहुत सी वीडियो आने लगे, लेकिन किसी भी वीडियो में कोई प्रूफ नहीं दिखा मुझे। और बाकी जो मैंने इंस्टाग्राम वाली वीडियो बनाई थी उसके लिए उसे सॉरी बोल दीजिए, क्योंकि जब उसका कोई रिप्लाई वीडियो आया तब मेरी सारी गलतफहमी क्लियर हो गई और मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन एक NXT गिल्ड के आसपास के बंदे से ही मिली थी जो कह रहा था कि भाई मुझे पूरा विश्वास है NXT Revenger ने ऐसा ही किया है। बाकी मैंने उस पर विश्वास करते हुए पूरी वीडियो बना दी, तो उसके लिए मैं उसे सॉरी बोलता हूँ। और बाकी रिप्लाई वीडियो आपको देखना है तो आप उसके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके चैनल का नेम Revenger's Free Fire है जिस पर कुछ 1. समथिंग सब्सक्राइबर है, तो आप उसको जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसे सपोर्ट दिखाइए। और बाकी उसे कोई हेट देने की जरूरत नहीं है। बाकी आप कोई स्पेसिफिक रीजन तो मुझे मिला नहीं, बाकी आप उसी से पूछ लीजिए क्यों उसने NXT गिल्ड लीव की। और बाकी उस वीडियो में उसने बताया भी होगा उसने क्यों NXT गिल्ड लीव की, तो आप वाला वीडियो जाके पूरा देख सकते हैं। बाकी किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है, आप ना उसे हेट दीजिए ना किसी NXT गिल्ड को हेट दीजिए। बाकी आप NXT क्लासिक से पूछ सकते हैं उसका क्या रिएक्शन है, उसने NXT Revenger क्यों हटाया गिल्ड से, जरूर पूछेगा और बताइएगा जरूर कमेंट में NXT क्लासिक का क्या रिएक्शन हुआ। बाकी आप कमेंट में जरूर कर दीजिए कि आपको NXT गिल्ड में NXT Revenger वापस चाहिए या नहीं चाहिए। और बाकी बाय बाय, से सपोर्ट दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा और NXT Revenger के भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप उसका चैनल नाम Revenger Free Fire है, जाके उस पर सपोर्ट दिखाइए उसको। और बंदा लाइव स्ट्रीम भी करता है, वीडियोज भी डालता है और बाकी उसका गेम प्ले भी खतरनाक है, आप उसको जाके देख सकते हैं। बाकी